नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप लोगों का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग आपको ये लिए लेकर आते हैं, जिसमें थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी कि अगर आसानी से याद हो जाए और एग्जाम में वो पूछा जाए तो उतनी ही आसानी से, जितनी आसानी से याद किया उतनी आसानी से उसे एग्जाम में सॉल्व कर दिया जाए, ताकि हम अभ्यर्थी की जगह सफल अभ्यर्थी की श्रेणी में आ जाए। तो उसी क्रम को, उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज समुद्रगुप्त की कुछ उपाधियां हैं जो अक्सर अलग अलग एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक अगर आप देख रहे होंगे तो पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ है नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, है ना। अब इसी में देखिए तो हम लोग समुद्रगुप्त के अलग अलग जो उपाधियां हैं उनको देख लेते हैं। जैसे पहला शब्द है नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी सवाल पूछ लिया जाए कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त हो जाएगा। अब एक सवाल यहीं पर और याद कर लीजिएगा कि किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा, किस विद्वान के द्वारा समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, तो वो विंसेंट स्मिथ है जिनके द्वारा ये संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक ऐसा शासक है जिसने दो अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। तो देखिए अश्व के साथ उसके आगे लिखा हुआ है अश्वमेघ कर्ता। या यहीं पर एक चीज और मैं आपको लिख कर बता देता हूं, इसके लिए एक उपाधि और मिलती है अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ पराक्रम, ठीक है। ये उसके सिक्कों पर लिखा हुआ है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा अश्वमेघ कर्ता या अश्वमेघ पराक्रम, ये शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये मात्रा ध्यान रखिएगा, डार्क कर दिया मैंने, ठीक। तो ध्यान रखिएगा उसने दो अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, तो एकमात्र गुप्त राजा जिसने दो अश्वमेघ यज्ञ किए तो समुद्रगुप्त हो जाएगा, तो अश्वमेघ कर्ता होगा या तो अश्वमेघ पराक्रम करके पूछा जाएगा, ठीक। इसके साथ साथ उसे विक्रमांक भी कहा जाता है, ठीक है, विक्रमांक भी कहा जाता है। आगे चलकर आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त का बेटा भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, तो विक्रमांक की भी उपाधि हमारे समुद्रगुप्त की है। साथ ही साथ कहा जाता है कि वो अच्छी कविता भी लिख लेता था, अच्छी कविता कर लेता था, इसलिए उसे कविराज भी कहा जाता है। तो सारी उपाधियां, भारत का नेपोलियन, अश्वमेघ कर्ता या अश्वमेघ पराक्रम, विक्रमांक और कविराज, ये उपाधियां समुद्रगुप्त की है। बस याद रखना है नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, बस आपको सारे के सारे समुद्रगुप्त की उपाधियां, टाइटल्स जो है वो आपको याद रहेंगी, एग्जाम में पूछी जाती है और हम लोग उसे आसानी से सॉल्व कर ली जाएंगे। तो ये आज की शॉर्ट ट्रिक थी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। और इन्फो कैप्सूल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार।